चला जी वेलकम टू द शो। दोनों ही बाशला हीरो हीरोइन ही लग रहे हैं सर। ऐसे लग रहा है शो नहीं शूट हो रहा, कोई फिल्म शूट हो रही है। एक शेर मैं लाया हूँ इब्राहिम भाई आपके लिए। इब्राहिम हसन भाई के टेकर मिनिस्टर हैं पांच दरियाओं के, और इनके पहलू में जलवा गर हैं एली जैद एक्ट्रेस। लगते हैं दो ही नवे नकोर, गौर से देखो तो लगेंगे होर दे होर। वो मेरी नजरों में समाए आए, धीरे धीरे मेरे दिल में आए आए। जो लड़की मुझे सताए उसे बिजली का बिल 2200 यूनिट आए। एली क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके ड्रामों की मैं लिस्ट पढ़ रहा था, बड़ी जबरदस्त किस्म की है ये। इसमें मोहब्बत दाग की सूरत, रंग महल, दिखावा, निशा, इंतकाम। तो इंतकाम से याद है केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या हाल है? बिल्कुल जी, आप जिस तरह वाम है उस तरह हम भी खुशहाल हैं और मुल्क तरक्की कर रहा है। खुशहाल है आपने क्या बात कर दी, आवाम कहाँ से खुशहाल है? मुल्क में अमन है और खुशहाली जो है वो आ रही है आपके सामने है, और दिन रात हम तरक्की कर रहे हैं। दिन रात हम तरक्की, ऐसा आपने सवाल किया वैसे ही जवाब दे। एक बात बताएं, if I'm not wrong, आप अभी चाइना से आए हैं? जी जी, you had gone to China. बिल्कुल जी। तो वो कैसा रहा था मुझे बताएं? जी बहुत अच्छा था हमारा, तकरीबन 4-5 दिन ट्रिप था ऑफिशियल, और उधर एक सूबा है निंगशिया, उनके साथ हमारा एक MOU है, तो हमने देखा कि हम उनसे किस तरह सीख सकते हैं और मजीद कैसे तरक्की कर सकते हैं। Was it your first time to China? नहीं, it was my second time जी। अच्छा, आप पहले देख चुके हुए थे China? जी जी, इतना China जानते हो, तो डड्डू सप्लाई कर देते। देखिए बात ये कि उन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो किया कि हम यहाँ से डड्डू एक्सपोर्ट करके चाइना भेजे। और मैं नहीं जाना। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें मुर्गी के पंजे चाहिए, तो आप देखेंगे। एक्चुअली चाइना आप गए और आप वहाँ पे 3-4 दिन रहे, तो वहाँ पे क्या आपने चाइनीज को देखकर ये कहा कि मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ आप लोगों ने बहुत पैसे लगाए हैं लेकिन हमने वापस नहीं देने? नहीं, देखें जब भी चाइना जाते हैं तो एक ऐसा आपको एहसास होता है कि एक मुल्क है उसने इतनी तरक्की की है इन द सेम टाइम के जिसमें पाकिस्तान उतनी तरक्की नहीं कर पाया, तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि उनकी नो हाउ हम लें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ताकि हम भी जो है वो एक आगे तक। वैसे लास्ट टाइम आई मेट यू तो आप उस वक्त आपका जो डिज़ाइन था कुछ बालों का वो डिफरेंट था, और ये दाढ़ी का भी कुछ डिफरेंट था, ये क्या चाइना से तो नहीं करवा के कटेगा? नहीं नहीं, यहाँ से ही है, हम तो पाकिस्तान से हर चीज़ लेते हैं। एक्चुअली मैं ये बड़ा ज़बरदस्त ये लुक चेंज किया आपने, थैंक यू, ये इट्स रियली सूट्स यू। क्या ख्याल है, आप पहले ये बताएं, कभी सोचा था ऐसा मिनिस्टर देखेंगे आप? मार्केट में जो अवेलेबल था पहले ऑप्शन वो आपने देखी हुई है ना, तो उससे इस तरह नहीं चलते। आपने इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात की? लास्ट टाइम आपके शो पे की, ये हम ही कराते हैं सिर्फ, ठीक है, तो यानी कि वो तो ऐसे ना थे, बताइए थे ऐसे? उनकी अपनी पर्सनालिटी थी इनकी, मगर आप तो खुद ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, तो कोई लगता नहीं कोई ड्रामे का एक्टर हीरो बैठा हुआ है? सर ऐसे ही लगा मुझे, मतलब मैं खुद डाउट में आ गई थी। ओए होए, कि ये देखिए ये केयरटेकर, ये मिनिस्टर हैं आपने पूछी, और ये एक भी नहीं, तीन तीन मिनिस्ट्री हैं इनके पास। सर कौन कौन सी हैं आजकल? सर आई हैव माइंस, ट्रांसपोर्ट एंड लाइफ स्टॉक। जो जखीरे निकल सकते हैं पंजाब के अंदर वो भी भाई के अंदर ही है। सर वैसे कोई है हमारे पास कोई चीजें नमक के अलावा जो आजकल हम जिसको लुक फॉरवर्ड कर सकें? जी मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जल्द ही हम गोल्ड के 4 ब्लॉक्स ऑक्शन करने लगे। गोल्ड पंजाब में गोल्ड जो है प्लेसर गोल्ड वो पाया गया अटक के अंदर, तो जल्द हम उसको ऑक्शन करने लगे हैं, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उसको। कोई भी क्या मतलब, क्या वो कितने का कोई होगी बिल्ड? 4 ब्लॉक्स हैं तकरीबन 1 अरब के। अच्छा मजे की बात, चेक करें 1 अरब की बिल्डिंग है और कह रहे हैं आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो, मतलब अगर हमारे पास 1 अरब होते तो हम सारे यहाँ बैठे होते। ये तो रिजर्व प्राइस है, अब देखें आगे कहां तक जाएगा। वो सर, तो 1 अरब तो अडली कुछ नहीं ना, अभी तो 70,000 बिल तारना होते फ्रिज बेची थी। आपकी कोई नजर में है क्या कोई ऐसा इंसान जो ये बिडिंग में हिस्सा ले सके या लेना चाहता हो? सोना निकला है? मेरा नाम फिलहाल तो नहीं है।
कोई नहीं है ना वैसे, मगर वैसे देखे इन्होंने सोना निकाल लिया है, ये कमाल है, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड न्यूज फॉर इट्स अ गुड न्यूज। और उसके अलावा इनके पास ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री भी है, तो आपने पंजाब में कहीं भी सफर करना हो ये आपको कार्ड दे सकते हैं अपना, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा हमें, स्टूडेंट्स को देते हैं हम डिस्काउंट, स्टूडेंट कार्ड अगर ये दिखाएंगी तो इनको, आप समझे कि मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी चाहिए, वो एक्टिंग की स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट वैसे भी हूँ, आप वैसे भी स्टूडेंट हैं, ले ये तो बिल्कुल, फिर ये इनका ट्रेवल फ्री है ऑरेंज लाइन पे भी और मेट्रो बस पे भी। नहीं ऑरेंज लाइन और ट्रेवल तो वो यहीं पे हमें फिराते रहेंगे ना, लाहौर के अंदर हमने अगर बाहर जाना हो पंजाब में देखें हम निकलना चाहते हैं। सर मैंने भी अभी मैट्रिक के एग्जाम देने हैं तो मेरा बन जाएगा वो आपने पिछले को 25 साल से देने उसका अभी इन पे ना डाले। आप अगर यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे किसी भी स्टेशन पे और स्टूडेंट कार्ड आपके पास होगा तो आपके लिए फ्री है जी। साथ ही साथ इब्राहिम आपके पास लाइव स्टॉक भी है जी, ये जरा लाइव स्टॉक को प्लीज क्लियर कर दीजिए। एली आपको पता है लाइव स्टॉक क्या होता है? बचपन में पढ़ा था, इट वाज रियली बोरिंग चैप्टर। इब्राहिम कैन यू मेक इट इंटरेस्टिंग? देखिए लाइव स्टॉक जो है ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का 65% है और हमारा जो GDP है वो 15% जो है वो एग्रीकल्चर है, तो इसका मतलब 10% आपके GDP जो है वो लाइव स्टॉक के पास है, और इसमें 75% जो रूरल वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो भी लाइफ स्टॉक में है। तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास तकरीबन 15 अरब डॉलर की कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने की, मीट की, डेयरी की, पोल्ट्री की, तो इस पर आजकल हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरह क्या मेजर्स लें कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया की फूड फैक्ट्री बन सके। और आपके पास आई बिलीव इसके साथ पोर्टफोलियो डेयरी डेवलपमेंट का भी है जी, यानी कि मजों गाँव के अंदर भी आप पाए जा सकते हैं। बिल्कुल सर, कह सकते हैं। आप जैसे पॉलिटिशियंस को देख के मैं अक्सर ये सोचती हूँ अगर आप सियासत में ना होते तो आप शोबिज में होते, आपका कोई इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट है जी, बट क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव सी है। ओए होए होए, इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन ये भी मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आप जो है ना मॉडलिंग करते हैं या नहीं, मैंने कहा नहीं गवर्नमेंट में, क्योंकि आमिर मीर साहब कह रहे थे कि लोगों के रोल मॉडल होते हैं हमारे मॉडल हैं। वाह वाह, हमने मॉडल को रोल दिया हुआ है। हां बस इलेक्शन हुए तो फिर इनन दी जेरी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी जी, फिर ताड़ियां दबावा ना नहीं हो रहे यार। मैंने नोट किया आपका सोशल मीडिया देख के, आप बहुत सोशली एक्टिव हैं, तो क्या अपने DMs का रिप्लाई भी खुद करते हैं? बहुत कम, लेकिन जब देखता हूँ तो कोई ऐसी चीज होती है तो बिल्कुल, कोई ऐसा अगर DM हो तो रिप्लाई करता हूँ। देख के देख के करता हूँ। अच्छा आपने इनका सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया होगा? हाँ मैंने रिसर्च किया था इनको प्रॉपर, देखा इनके सारे पोस्ट वगैरह, स्टोरीज चेक की, हाईलाइट्स चेक की मैंने। अच्छा जब वो, अब मैंने आपको कहा था ना कि होमवर्क करके आया करें, वो उसका मतलब ये नहीं था कि आप सोशल मीडिया पे यही देख रही हो कि वो तुसी ने क्या लगाते हैं। जिन्ना तुसी रिसर्च उन्होंने कर ले, मैं डर रहा तुसी किधर रिश्ता ना भेज दियो। वैसे ऐसे फैंस मिलते रहते हैं आपको इब्राहिम? नहीं फैंस नहीं, मेरे ख्याल से लोगों को जो है ऑब्वियसली क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज हो जो कि कॉमन ना हो तो वो ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट होता है, और ये कि आप कॉमन नहीं जानना चाहते हैं कि ये एक यंग एज में मिनिस्टर है या ऐसे, तो उसमें इब्राहिम भाई जैसे माशाल्लाह आपने ड्रेसिंग की, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਡਾਇਵੋ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ?